पूरे दुनिया में अब मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रहा है। एक मुसलमान को उसके कुरान के हिसाब से लगभग 4 शादियां करने को कहा जाता है और सबसे लगभग उनके 5 और 6 बच्चे होते हैं, यानी कि लगभग एक घर में एक मुसलमान से 20-25 बच्चे भी होते हैं। जी हाँ, और बता दें कि पूरे दुनिया में अब सबसे ज़्यादा मुसलमान तेजी से बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कि बिलियंस में भी मुसलमान हो सकते हैं। चलिए इसके बारे में पूरा बात बताएंगे हम, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पर आ गए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन सबको देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर जो भी हिंदू धर्म वाले हैं तो इन बातों को खास कर ध्यान रखें और लोगों को शेयर करें और बताएं कि ये मुसलमान क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम हिंदू भी कट्टर बन सकते हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें कि UA थिंक टैंक के मुताबिक अगले 2 दशक में मुस्लिम जनसंख्या विश्व में तेजी से बढ़ रहा है और वहीं 2030 तक मुसलमानों की अगर जनसंख्या की बात करें लगभग 8.3 बिलियन हो जाएगी। जी वहीं बता दें कि यूरोप में आने वाले लगभग 20 साल में मुस्लिम जनसंख्या वहां पर 1/3 हो जाएगी, 1/3। और वहीं बात करें कि UK के मुसलमान की जनसंख्या लगभग 2030 तक बढ़कर 5.6 मिलियन हो जाएगी UK। जी हाँ, और लगभग 2030 तक पाकिस्तान में अगर मुसलमानों की हम बात करें तो लगभग 25 करोड़ 61 लाख और 17,000 के भी आंकड़े पार कर सकते हैं। वहीं बता दें कि पाकिस्तान में लगभग 2010 में इसकी जनसंख्या लगभग 17 करोड़ 8 लाख और 97,000 के लमसम में था और यह तेज़ी से लगभग 25 करोड़ से भी ऊपर बढ़ने वाला है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से चीज़ें बढ़ रही हैं। 2030 में पाकिस्तान की कुल जनसंख्या लगभग 96.4% आबादी होगी, जो कि एशिया महाद्वीप के सबसे बड़ी आबादी होगी। और वहीं बता दें आपको कि लगभग 2030 तक मुसलमान एशिया महाद्वीप के कुल जनसंख्या की बात करें लगभग 1 अरब 29 करोड़ 56 लाख 25 हज़ार के लमसम में यह आंकड़े पार होंगे, जो कि भारत लगभग 27.3% ही होगा, लेकिन उससे ज़्यादा 96.4% पाकिस्तान ऑलरेडी बढ़ चुका होगा। और यही कारण है कि पाकिस्तान गरीबी में दिन प्रतिदिन चलता जा रहा है और वहाँ दिन प्रतिदिन खाने की भी दिक्कत हो रहे हैं, लानत पड़ रहे हैं और ना जाने किन किन तरीकों से अपने उस देश को बढ़ावा दे रहा है। तो जितने भी हिंदू भाई हैं उन्हें ज़रूर ये शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।